हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वीडियो काफ़ी दिन से नहीं पढ़ रहा था, इसलिए सोच रहे थे क्या पढ़ाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, इसमें सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे थे। लेकिन अब फिर से नए सिरे से स्टार्ट हो जाइए पढ़ना आप लोग, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अभी से लग जाइए। तो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अर्थात वित्तीय लेखांकन। आज केवल पाठ्यक्रम बताएंगे कि इसका शेड्यूल क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से इसमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पिछले साल से ज़्यादा रिवाइज और मॉडिफाइड वीडियो आपको मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टेड मिलेगा। इसी तरह कंटिन्यू पढ़ते रहिए और प्रयास करिए कि वीडियो को अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज का पहला जो इसका पाठ्यक्रम लेक्चर होगा, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये सिलेबस है, चैप्टर वाइज मैं सिलेबस बता रहा हूं। ये हर यूनिवर्सिटी में बीकॉम में पढ़ाया जाता है। तो पहला इसका है अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा इसका टॉपिक जो होगा, टॉपिक क्या, ये चैप्टर्स हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेखांकन की क्या अवधारणाएं हैं ये आप जानेंगे, ठीक है। तीसरा इसका जो चैप्टर मिलेगा आपको, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है। इसके बाद से चौथे नंबर पे आपका जो चैप्टर मिलेगा वो हमारा चैप्टर होगा बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, अर्थात इसका मतलब होता है जर्नल एंट्री, मतलब रोजनामचा। इसके बाद नेक्स्ट आपका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मिलेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको सब्सिडरी भी बोला जाता है। सब्सिडरी मतलब सहायक लेखक की पुस्तकें। सिक्स नंबर पे आपका जो आएगा वो हमारा होगा लेजर, माने खाता बही। नेक्स्ट इसका जो आएगा चैप्टर, केवल चैप्टर बता रहे हैं क्योंकि इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको ये सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। सेवन नंबर पे आपका आएगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, माने तलपट। आप हिंदी अंग्रेजी दोनों वर्जन समझिए, जिसको जैसे समझ में आ जाए, ठीक है। सीधे ट्रायल बैलेंस के बाद हम आठवें नंबर पर चलेंगे, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंट्री मतलब समायोजन लेख। और जैसे ही ये समाप्त होगा तो नौ नंबर पर हम पहुंचेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट्स, जिसमें आपको पूरा टोटल फाइनल अकाउंट मिलेगा, ठीक है। फाइनल अकाउंट में आपका सारे चीज़ें आ जाएंगी। ट्रायल बैलेंस के जस्ट बाद जो स्टार्ट होने वाला है वो, जिसमें आपका मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब आ जाएंगे। इसके बाद से फाइनेंशियल, चूंकि बुककीपिंग और अकाउंटेंसी ये अलग अलग पार्ट है, बुककीपिंग आप एंड अकाउंटेंसी ये इंटर में पढ़ाया जाता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बीकॉम में पढ़ाया जाता है। तो इसमें बुककीपिंग एन अकाउंटेंसी का पार्ट मैंने हटा दिया है, जैसे कि उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वगैरह है, कंजाइनमेंट है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स हैं, ये सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं कि बैलेंस शीट के बाद से हमारा कौन सा चैप्टर मिलेगा। तो बैलेंस शीट के बाद जो हमारा चैप्टर मिलने वाला है वो हमारा 10 नंबर पे आएगा, रिजर्व मतलब संचय।
एंड इसी में ऐड कर दे रहे हैं प्रोविजन, मतलब प्रावधान। चूंकि हर बुक में, किसी किसी बुक में रिजर्व अलग चैप्टर दिया, प्रोविजन अलग दिया है। अब बहुत सारे बुक में रिजर्व एंड प्रोविजंस एक ही चैप्टर में दिया गया। 10 नंबर के बाद से हम 11 नंबर पे इसमें शुरू करते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब पूंजीगत और आयगत व्यय या मदे या खर्चे। इसके बाद से जब ये समाप्त हो जाएगा तब हमारा चैप्टर शुरू होगा रॉयल्टी का। रॉयल्टी मतलब अधिकार शुल्क। ठीक है, रॉयल्टी के बाद से एक और चैप्टर आपको मिलेगा, डेप्रिसिएशन मतलब ह्रास, डेप्रिसिएशंस, एंड इसी में ऐड कर दे रहे हैं प्रोविजंस। ठीक है, इसके बाद से 14 नंबर पे हमारा शुरू होगा क्वेश्चंस, ब्रांच अकाउंट, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। ध्यान देते रहिएगा क्योंकि इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, इसलिए कंटिन्यू आप लोग लगे रहिएगा। चैप्टर वाइज आप लोग पूरा एनालिसिस करिएगा, पढ़िएगा कुछ वीडियो से कुछ बुक से, तो इसी तरह आप लोग की तैयारी होगी। इसके बाद से 15 नंबर पे आएगा पार्टनरशिप अकाउंट। ये ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप अकाउंट में बहुत सारे पार्ट हैं, ए बी सी डी वगैरह वगैरह, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ये काफी बड़ा टॉपिक होता है, लगभग 40 से 50 नंबर का हर साल एग्जाम में केवल पार्टनरशिप से आता है। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा अगला होगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद होता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, इसके बाद से लास्ट इसका होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और भी एक पार्ट होता है एमलगेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो मुख्य मतलब यही चार है। 16 नंबर चैप्टर आपको जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम, बीमा दावे जिसको कहा जाता। ठीक, और लास्ट एक चैप्टर मिलेगा 70 नंबर पैकेजिंग संवेष्टन जिसको कहा जाता। और एक और चैप्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति। एक और कुछ चैप्टर है हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड्स। ठीक, और लास्ट में एक चीज और मैं बताऊंगा, जो 20वां चैप्टर हमारा होगा, चूंकि बुक में तो वो स्टार्टिंग में दिया गया है लेकिन मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, उसका नाम है चैप्टर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अर्थात लेखांकन प्रमाण। ओके, तो इस तरह ये 20 चैप्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि इसके अलावा भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ चैप्टर्स मिलते हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, इसके अलावा मिलता है आपको वाइज अकाउंट्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स वगैरह है, लेकिन ये मुख्य इतने ही है, इतना पढ़ लेंगे काफ़ी सफिशियंट है। ये 20 चैप्टर कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। 20 चैप्टरों में से आपको बता दें कि इसमें 60% तो समझिए इंटरमीडिएट का ही है,
जो 10+2 में आप लोग पढ़े होंगे वो मोस्टली वही होता है, लेकिन उसके बाद कुछ एडिशनल चैप्टर्स वगैरह हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा सिलेबस या पाठ्यक्रम जो भी आप कहिए कैसा लगा, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा और प्रयास करिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि नया सब्जेक्ट ये स्टार्ट हो रहा है और मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू एकदम शेड्यूल वाइज आप पढ़ें। बुक अभी से खरीद लीजिए, क्योंकि अब तक तो जो हुआ हुआ, लेकिन अब जुलाई से नया सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, सबका एडमिशन होगा। कंटिन्यू पढ़ते रहिए और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पढ़ने से पहले ही वीडियो देख लिए रहेंगे तो कुछ उसको जानकारी पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंडों में से अधिक शेयर कर लें, क्योंकि स्टार्ट हो जाइए। कल फिर शाम को आपको वीडियो मिलेगा किस चीज़ का, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शंस, जिसमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अर्थात पुस्तपालन लेखाकर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए।